To the channel Aacharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. I am Asutosh, Acharya Saraswati Vidya Mandir, Ringwan Sitamadi. हम लोग कल exercise 2.7 question number 1 to 4 पढ़े थे. आप लोग HW कर भी लिए होंगे और जिनको समस्या थी online class में उस समस्या को दूर कर दिया गया है. अब हम लोग question number 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस फाइंड, फाइंड का फर्स्ट है, फाइंड है फाइंड, और क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 डिवाइड 3.5, 7 है 3.5 से डिवाइड करना है, तो अब यह 7 डिवाइड 3.5, 1 बीच के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाते हैं तो 10 हो जाएगा. अब 7 यह डिवाइड है, इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई लिखे तो यह 35/10 का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो 10/35 हो जाएगा. 10/35 हमेशा ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई लिखते हैं उसके राइट हैंड की ओर का चेंज होगा. कभी कभी हम लोग मिस करते हैं और लेफ्ट हैंड का भी चेंज कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना है. तो 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 अर्थात सॉल्यूशन हो जाएगा. तो आपका आंसर आ गया 2 और डिवाइड करना था 3.5 में. इसको आप चेक करेंगे तो 3.5 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10, 2 3 6 1 7, 7.0 अर्थात 7 आ गया, जो कि जितना डिविडेंड है आ गया. इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3.25 डिवाइड है 0.5. अब यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको डेसिमल हटाते हैं 3.25 है, तो 2 डिजिट के बाद इसके डेसिमल को हटाएंगे तो 1/2 0, 1/2 0 और डिवाइड, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसलिए इसको हटाएंगे तो 1/1 0 होगा. अब 325/100 मल्टीप्लाई इसको इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 10/5 हुआ. अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 6 13, 2 5 5 25, अब 65/10 हुआ. 65 में जो कल हम पढ़े थे कि किसी भी नंबर में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट के बाद है ना, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल होता है तो 6.5 अर्थात 1 डिजिट का डेसिमल होगा अर्थात 6.5 इसका आंसर होगा. इसको भी चेक करेंगे आप तो 6.5 में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 होगा. इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 0.5 है, 5 5 25, 5 6 30 है 232, 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट का डेसिमल होगा 3.25 जैसा होना चाहिए वो आपने. इसको हम डिवाइड विधि से जैसे हम भाग करते हैं उससे भी आप इसको बना सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं और 7 में हमको 3.5 से डिवाइड करना था तो यहाँ 3.5 से यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल नहीं है, इसलिए डेसिमल देखकर अगर 0 कर दे तो यह भी 7 ही है क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है. अब यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाते हैं, यहाँ से भी डेसिमल को हटा दिए. 35 से 70 में डिवाइड करना है, 35 2 जा 70 होता है और इसको काटेंगे क्रॉस, यह भी आपका बन गया डिवाइड में से भी हो गया. इसी प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं. यहाँ सामने है जैसे 3.25 था तो 0.5 से डिवाइड करना है, 3.25 है और यहाँ 0.5 है. अब चूंकि यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए यहाँ 2 डिजिट के बाद इसने 0 दे तो इसको भी 2 डिजिट कर दिए. अब डेसिमल को हटा सकते हैं, हटा दीजिए. अब देख रहे हैं आप 50 से डिवाइड करना है, 325 है तो 56 जा क्या होता है 357 जा करते तो 350 हो जाता है, इसलिए 6 जा ही किए यहाँ गया 5, यहाँ गया 2, यहाँ क्रॉस आ गए. अब चूंकि 25 है डिवाइड करना है 50 से तो डेसिमल डालेंगे, डेसिमल डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा तो 55 जा हो गया 250 और कैंसिल है ना. 6.5 हमारे यहाँ भी आंसर आया था 6.5, इससे डिवाइड कीजिए. अगर इस प्रकार आप डिवाइड करते हैं किसी उससे आ गया, इसलिए आप इस प्रकार भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं. दोनों जानकारी के लिए दोनों आवश्यक है ना, सुविधा के लिए आप जिसे आपको अच्छा हो ऐसे इसी बनाइए तो ज्यादा अच्छा है. तो इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, लेकिन चेक
चेक हमको एक बार कर लेना चाहिए कि जो मेरा सॉल्यूशन आया, जो आंसर आया, और जिसे जो डिवाइडर था उसको हमको मल्टीप्लाई करिए, वह अगर डिविडेंड के बराबर आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आ पाता है तो फिर से आप जो बनाया है उसको फिर से चेक कर लेना चाहिए। अब 1-3 हम लोग देख लिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आ रहे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में ध्यान देना है कि 8 भी जैसे आप अभी जो डेसिमल का बना रहे हैं वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में है 37.8 डिवाइड है 1.4, जब 5 का ही 8 है। अब इसमें डिवाइड करते हैं, यहां भी 1 डिजिट का डेसिमल है, यहां भी 1 डिजिट का डेसिमल है, 37.8 डेसिमल आएंगे तो 1 पर 1 0, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसीलिए 1 पर 1 0 डालते हैं। डिवाइड, यहां भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटाएंगे तो 1 पर 1 0, तब 10 अब 378 by 10 मल्टीप्लाई, यहां उसको भी इंटरचेंज कर देना है, रेसिप्रोकल इसका लिखना है, तो 10 by 14, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 14 से 14 बन जा 14, और 14 2 28, 37 में से 28 कटा है 9, 9 8, 27 जा 98, 14, 14 7 जा 98, 27 by 1 आंसर आ जाएगा 27। अब यह अपना आंसर आया 27, वह सही है, राइट है या रॉन्ग है, चेक करते हैं। 2.73 जैसे यहाँ था वही स्थिति है। अब है यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 1 पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल 2 0 डालेंगे, डिवाइड है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसलिए यहाँ उसको हटाने पर डेसिमल हटाते हैं, क्या लिखेंगे, और 273/100 इंटू यहाँ 30/10 है तो क्या हो जाएगा 10/30। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे तो 13 2 जा 26 और 1 13 1 जा 13, तो 21/10 डिवाइड करिएगा, वही बात है 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट के बाद राइट हैंड की ओर से 1 डिजिट का डेसिमल होगा अर्थात 2.1 होगा, आंसर आया। इसको भी आप चेक कर ले सकते हैं कि 2.1 है मल्टीप्लाई 1.3 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, 1 1 जा 2, 3 7 2 यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 और 1 2 2 डिजिट का डेसिमल होगा अर्थात 2.73 जो डिविडेंड था उसके बराबर हो गया, इसका अर्थ है हम लोग जो बनाए 2.1 जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है, राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में वैसे हम लोग पहले भी यूनिटी मेथड पढ़े हैं, सभी लोग जानते हैं, यदि कहीं लिखा हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंस इज ₹35 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंस, अगर इस प्रकार की बात होती है, अगर 1 का निकालना रहता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर वैसे ही है इफ द कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑफ फीट इज ₹40 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ फीट, यहां 2 केजी का पता है 1 केजी का निकालना है तो डिवाइड करते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कहता है ये व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर है ना ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक गाड़ी है जो कि 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जाती है, तो कहता है कि वह गाड़ी वह 1 लीटर पेट्रोल में कुल कितना जाएगी, तो जैसे पहले डिवाइड कर रहे थे ऐसे ही यहां भी हमको डिवाइड करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे 6 सेंस a vehicle covers in
6.4 liter of petrol at distance 43.2 kilometer. Distance of 43.2 kilometer. ये गाड़ी है जो 2.4 लीटर पेट्रोल 43.2 किलोमीटर जाती है, तो 1 किलोमीटर में निकालना है, जो ही 1 लीटर में निकालेंगे तो 43.2 में हम लोग डिवाइड करेंगे 2.4 से, तो ए व्हीकल कवर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस ऑफ 43.2 बाय 2.4, यहां जो आएगा वो किलोमीटर में आएगा। अब ये डिवाइड हो गया, इसका अर्थ है 43.2 डिवाइड 2.4, और इसमें डिवाइड करें जैसे पहले करते थे 43.2 है डेसिमल हटाते हैं तो बाय 10, यहां भी डिवाइड है 2.4 है डेसिमल को हटाते हैं तो बाय 10, और 432 बाय 10 मल्टीप्लाई 10 बाय 24, 10 से 10 कैंसिल, और 12 24 है तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 7 2 12 6 जा 72, 2 से 202 यहां हो जाएगा 18, आ गया 18/1 डिवाइड किए तो 18/1 से डिवाइड करते हैं तो 18 ही आता है, अर्थात यहां भी इसने इसे डिवाइड किए तो आ गया 18, अर्थात 18 किलोमीटर। अर्थात पर जो गाड़ी है वह 1 लीटर पेट्रोल में वह 18 किलोमीटर जाती है, सो हम आंसर लिख देंगे 10 या 100 it will cover 18 kilometer distance in 1 liter of पेट्रोल। इस पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल लैंग्वेज का रहता है, इसे ध्यान देना चाहिए, और पहले भी यूनिट में अगर हम क्लास 6 से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ज्यादा वस्तु का दाम पता है आपको और 1 का निकालना यदि है, नामी रहता है एनर्जी, तो 1 का निकालने के लिए जो उसका फाइनली है उसमें जितना क्वांटिटी है जो है, तो जैसे 2.4 लीटर में वो आपको 43.2 जा रहा था, 1 में निकालना है, तो जो राइट हैंड की ओर रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं, और जो लेफ्ट हैंड की ओर रहता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में करते हैं, अर्थात उसमें ऊपर 43.2 में 2.4 से डिवाइड करना है, उसको यहां डिवाइड किए तो आ गया 18, सो इट विल कवर 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसलिए वो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर जाएगी। तो यह भी एक्सरसाइज है अपना 2.7 अब समाप्त होता है। हम लोग HW लिखते हैं, HW सॉल्व एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5 and 6। मेनी मेनी थैंक्स, सेस नेक्स्ट वीडियोज में।